ऐसा है, ये इसी का नाम तो भगवान है कि उसे सब अपना बताएं। तो भगवान की कोई जाति नहीं होती, पर सबको लगता है कि हमारे हैं तो सब अपनी भी बात करें। अच्छी बात है, ये भगवान का भगवत प्रकट हो रहा है। हनुमान जी राम भक्त हनुमान है, और जो राम को प्यारे वो हनुमान को प्यारे। दलित है, मुस्लिम है, हनुमान जी राम के प्यारे वो हनुमान के प्यारे। लोग कह रहे हैं कि जाट भी हैं। नहीं नहीं, अरे भगवान भगवान होते हैं, वो कोई चीज नहीं होते। मुझे लगता है ये पूरा जो है हनुमान जी का मजाक बनाने की कोशिश हो रही भाजपा के नेताओं द्वारा। इस तरह से कभी किया जाता? अरे वो तो तीनों लोगों के स्वामी हनुमान जी, उनका कोई मुकाबला? उनको कहीं कुछ बताना, कहीं कुछ बताना, ये कोई बात हुई? कहीं मुसलमान बता रहा, कोई दलित बता रहा, कोई आदिवासी बता रहा, कोई कन्नडगा बता रहा, ये क्या तमाशा बना रखा है? वो सारे लोगों के स्वामी, सारे जीवों के परमात्मा है, उनको इस तरह की बात कहना मुझे लगता है अपमान करने जैसी बात है। देखिए, पूरी दुनिया में हिंदू धर्म जो है वो सबसे पहले का धर्म है, और भुक्कल नवाब ने जो कहा है कि हनुमान जी पहले मुस्लिम थे, न उनको इतिहास मालूम है, न वो आलिम है, न वो शायर है, इस तरीके से सवाल जो है खड़ा कर देना कि हनुमान जी पहले जो है मुसलमान थे, उनको इतिहास नहीं मालूम है, उनको नवाबी मालूम है। नवाब थे और नवाबी मालूम है, वो कबूतर उड़ाया करते थे, उनको ना जो है धर्म मालूम है, ना दीन मालूम है। हम ऐसे लोग बाजाव है किसी धर्म के ऊपर टिप्पणी करने से, बाजाव है कि हनुमान जी पहले भी हिंदू थे, आज भी हिंदू हैं, और उसके बाद में हिंदू के साथ में वो देवी देवता हैं। अयोध्या में जो है हनुमान जी विराजमान हैं, अयोध्या में जो भी आता है वो हनुमान जी की नगरी मानी जाती है, सरजू के नाम से अयोध्या जानी जाती है। सरजू स्नान करने के बाद में अयोध्या के में फिर हनुमान जी का दर्शन होता है। भुक्कल नवाब को कहां से याद आ गई कि पहले जो है हनुमान जी मुस्लिम थे?